गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बेटा। ऑल इंडिया कोटा की राउंड टू की काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो तो 4 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई थी बेटा। सीट मैट्रिक्स से हम एक चीज और होप कर रहे थे कि राउंड टू में जो नए कॉलेजेस ऐड होंगे वो भी हमें पता चल जाएंगे। तो राउंड टू में कुछ नए कॉलेजेस और कुछ सीट्स तो ऐड हुई, लेकिन यूपी में जो 5 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में प्रेडिक्शन था कि वो राउंड टू से ऐड हो सकते हैं, वो फिलहाल ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू में तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है यूपी स्टेट की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो उसमें वो कॉलेजेस ऐड हो जाए, तो 85% सीट्स जो हैं वो राउंड टू में यूपी स्टेट में ऐड हो जाएंगी और फिर वो 15% जो सीट्स होंगी नेचुरली राउंड थ्री ऑफ ऑल इंडिया कोटा में आ सकती है। फाइनली आप देखिएगा, एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर क्लियर वैकेंसी ऑफ राउंड टू यूजी काउंसलिंग 2024 एमबीबीएस बीडीएस एंड नर्सिंग को जारी कर दिया है। इसी तरह न्यू सीट्स एडेड इन राउंड टू यूजी काउंसलिंग ये भी जारी किया है, उसको मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। वर्चुअल वैकेंसी ऑफ राउंड टू भी बताया है। वर्चुअल वैकेंसी जो होती है बेटा वो वैकेंसीज है, वो सीट्स है जिन पर स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है लेकिन उसने नेक्स्ट राउंड में नहीं राउंड टू में अपग्रेड करने के लिए विलिंगनेस जारी किया है। यानी कि ये सीट जो है वर्चुअली ही अवेलेबल है, यानी ये सीट्स वास्तव में तो भरी हुई है क्योंकि स्टूडेंट्स अगर अपग्रेडेशन कर लेंगे तो उनको दूसरी सीट मिलेगी तभी ये खाली होगी, और जब दूसरी सीट उन्हें मिल जाएगी तो ऑब्वियसली बात इफेक्टिवली उतनी ही सीट्स खाली होंगी जितनी क्लियर वैकेंसी में होंगी। हमें सबसे पहले इसमें बात करनी है जो ये क्लियर वैकेंसीज हैं इनका क्या ब्यौरा है। तो सबसे पहले आइए हम लोग क्लियर वैकेंसी देखते हैं। क्लियर वैकेंसी राउंड टू काउंसलिंग 2024 बेटे यहाँ पर देखिएगा स्टेट वाइज दे रखा है। ये लेफ्ट में स्टेट का नाम है, शुरुआत में दिखेगा अंडमान निकोबार तक की सीट्स जो है ये शुरुआत में है। ये बेटे कॉलेजेस है, इनमें ऑल इंडिया कोटा में ये सीट्स आई हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की सीट्स है, अल्फाबेट के अनुसार लिया है। एंड में बेटा वीडियो में मैं आपके साथ टोटल सीट कितनी खाली है, कितनी सीट मैट्रिक्स है और क्या कट ऑफ होगा वो भी डिस्कस करूंगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ से बिहार की सीट स्टार्ट होती है, एम्स पटना वगैरह की सीट्स बताई गई कितनी यहाँ पर वैकेंट है। यूपी देखिएगा, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश कुशीनगर बैकवर्ड कैटेगरी की 5 सीट्स हैं। इसी तरह से कुशीनगर की ये सीट्स आ गई। इन द सेम वे आप आगे जाइए तो आप देखिए हरदोई की सीट्स आ गई। तो ये बेटे आपके सामने सीट मैट्रिक्स का एक पूरा का पूरा डिटेल है, इसमें अच्छे खासे पेजेस हैं, आप इनको वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इन सभी सीट्स को काउंट कर लें तो डिफरेंट कैटेगरीज की कितनी एमबीबीएस की सीट्स जो है राउंड टू में आ रही हैं। तो बेटा आगे चार्ट बना के आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपके लिए शो करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में जो 15% सीट्स ऑफ द स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज की कितनी सीट्स राउंड टू में आ रही है काउंसलिंग के लिए। और साथ ही साथ एम्स जिपमर बीएचयू एएमयू वगैरह में भी कितनी एमबीबीएस की सीट्स राउंड टू में उपलब्ध है। एंड में आपके साथ इस फाइनल कट ऑफ है वो भी डिस्कस करेंगे कि कितना फाइनल कट ऑफ हो सकता है। बेटा आपके सामने बोर्ड पर देखिएगा डिटेल ऑफ सीट मैट्रिक्स है। राउंड टू में बेटा जो वैकेंसी आती है वो दो तरह की होती है, एक होती है वर्चुअल वैकेंसी और एक होती है क्लियर वैकेंसी। मैं यहाँ पर क्लियर वैकेंसी का डिस्कशन कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा प्लस ओपन कैटेगरीज की जो क्लियर एमबीबीएस की सीट्स है वैकेंसीज है राउंड टू की वो यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले आप देखिएगा ऑल इंडिया कोटा जिसमें 15% ऑफ द स्टेट सीट्स आता है, इसमें राउंड वन में बेटा 7918 एमबीबीएस की सीट्स थी, राउंड टू 5768 सीट्स वापस आई हैं काउंसलिंग के लिए और ये लगभग टोटल सीट्स का 73% है। और हमें एक वीडियो में बेटा ये बताया था कि ये उम्मीद है कि इस बार 65% से 70% या उससे ऊपर सीट्स आ सकती हैं। तो आप देखिएगा 73% सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा में राउंड टू में खाली होकर के आई हैं। तो आप देखिए अच्छी खासी सीट जो है राउंड टू के लिए आपके लिए उपलब्ध है। कारण यही है कि काफी बच्चों ने अपने स्टेट में एडमिशन लेने में ज्यादा इंटरेस्ट लिया है, तो वो जब स्टेट की एमबीबीएस की सीट होल्ड करेंगे तो ऑब्वियस बात है ऑल इंडिया कोटा में सीट्स खाली होंगी। ये ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट का ब्यौरा था। अब आइएगा एम्स में। एम्स में वैसे तो 2200 सीट्स हैं लेकिन 7 एमबीबीएस की सीट्स एनआरआई कोटा में एम्स दिल्ली में बढ़ी थी, उनको मिला के 2207 सीट्स थी। इनमें से राउंड टू में 300 सीट्स खाली आई हैं, ये टोटल सीट्स का 14% है। जिपमर में 179 सीट्स थी, इनमें से 37 सीट्स बेटा राउंड टू के लिए वैकेंट हो गई है, ये क्लियर वैकेंसी है जो कि 21% ऑफ द टोटल सीट है। सिमिलरली एएमयू में बेटा जो 72 सीट्स थी उनमें से 18 सीट्स राउंड टू के लिए आई हैं, विच इज 25% ऑफ द टोटल सीट्स। बीएचयू में बेटा 100 सीट्स थी, ये ओपन सीट्स थी, इनमें से सिर्फ 5 सीट्स आई हैं, तो ओनली 5% सीट्स ऑफ द बीएचयू आर अवेलेबल इन द राउंड टू।
बट अगर आप यहाँ पे टोटल देखें तो 2024 के ऑल इंडिया कोटा की राउंड वन की काउंसलिंग में टोटल सीट 10,476 थी, जिनमें से 6,128 यानी 6,128 सीट जो है सेकेंड राउंड में आई है, जो कि बेटा राउंड वन की सीट का 59% है। तो बेटा इस तरह से आप देखिएगा 6,128 सीट राउंड टू के लिए आई है। अब इनमें बेटा जो ये ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स हैं, क्योंकि ये सीट्स डिफरेंट स्टेट्स में होती हैं, तो वहां के स्टेट्स के स्टूडेंट्स को भी ये इंटरेस्ट होता है कि क्या हमें ऑल इंडिया कोटा से अपने स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट्स है, जिनमें से इतनी सीट्स खाली आई है, डिफरेंट कैटेगरीज में कितनी सीट्स आई है। तो बेटा यहां पर आप देखिए ऑल इंडिया कोटा MBBS राउंड टू सीट मैट्रिक्स कैटेगरी वाइज, इसको हम कैटेगरी वाइज ले रहे हैं, और इसमें फर्स्ट कैटेगरी है अनरिजर्व ओपन। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ओपन कैटेगरी की सीट्स है, बट इसके अलावा इसके अंदर जो PWD वगैरह का रिजर्वेशन होता है वो सीट्स अलग से है, ये प्योरली अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की सीट्स है। इसी तरह से बेटा EWS ओपन, OBC ओपन, SC ओपन और ST ओपन की सीट्स है, ये प्योरली ओपन कैटेगरी की सीट्स है, राइट। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की राउंड वन में सीट जो थी वो 3,053 थी, राउंड टू में ये बेटा 2,212 हो गई है। अब आप देखिएगा ये 3,053 में से इतनी सारी सीट जो है वो क्लियर वैकेंसी के फॉर्म में राउंड टू में आ रही है, और विच इज द 73% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द राउंड वन एंड विच इज अ बिग नंबर। तो आप देखिए अच्छी खासी सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आपको काउंसलिंग करने के लिए उपलब्ध है। EWS ओपन कैटेगरी की राउंड वन में जो सीट्स थी 752 थी, जो कि राउंड टू में 569 हो गई है, और ये 76% ऑफ द टोटल सीट्स अवेलेबल इन राउंड वन है। OBC ओपन कैटेगरी में राउंड वन में 2,029 सीट्स थी, जो कि राउंड टू में 1,612 हो गई है, और ये 80% लगभग है बेटा राउंड वन की सीट्स का। इसी तरह से SC कैटेगरी में 1,127 सीट्स थी राउंड वन में, 820 सीटें बेटा क्लियर वैकेंसी के फॉर्म में राउंड टू में आ रही है, और ये बेटा राउंड वन की सीट का 73% है। इसी तरह से ST ओपन कैटेगरी में 564 सीट्स राउंड वन में थी, जो कि राउंड टू में 362 रह गई है, विच इज 64% ऑफ द राउंड वन सीट्स। तो बेटे कैटेगरी वाइज आप देखिए आपको इतनी सीट्स यहां पर मिल रही, और बेटा दीज आर द ओपन सीट्स ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है राउंड टू का, तो आपसे बच्चों बताएं, हमने जो पिछला वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, उसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था उसको ही कंपेयर करके आपके सामने रखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का राउंड वन का जो कट ऑफ रही गई थी राउंड वन की बेटा, वो तो 19,603 ऑल इंडिया रैंक पर थी, जो कि राउंड टू में बेटा उस वीडियो में मैंने बताया था और यहां पर भी मैं उसी पर कायम हूं कि 22,200 से लेके 22,700 ऑल इंडिया रैंक के बीच में कट ऑफ राउंड टू का आना चाहिए। इसी तरह से EWS कैटेगरी का कट ऑफ जो है राउंड वन में जो गया था वो 23,419 पर गया था, ये 23,419 ऑल इंडिया रैंक है, जो कि राउंड टू में जो है वो 25,600 से 26,000 के बीच आ सकती है, 25,600 से 26,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में हो सकती है। सिमिलरली बेटा OBC कैटेगरी का कट ऑफ जो राउंड वन में गया था वो 20,281 ऑल इंडिया रैंक पे था, जिसके राउंड टू में बेटा 22,700 से 23,200 के बीच में जाने का अनुमान है, 22,700 से 23,200 के बीच जाने का अनुमान है, ऑल इंडिया रैंक है। एंड SC कैटेगरी का राउंड वन का कट ऑफ जो था वो 1,05,676 था, 1,05,676 था, जो कि राउंड टू में, जो कि बेटा राउंड टू में 1,21,000 से 1,25,000 के बीच में जाने का अनुमान है। इसी तरह से बेटा ST कैटेगरी का कट ऑफ जो राउंड वन में था वो 1,45,207 ऑल इंडिया रैंक पे था, इसके बेटा राउंड टू में 1,53,000 से 1,56,000 के बीच में जाने का अनुमान है। तो ये बेटा कट ऑफ है राउंड टू का, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। सो बेटे इस वीडियो में राउंड टू की जो ऑल इंडिया कोटा की सीट मैट्रिक्स है वो आपको बताया, और उसके अनुसार एक जो अनुमान है कि राउंड टू का कट ऑफ किया जाएगा वो आपके सामने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।